पार्ट थ्री थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस हमारा क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा है, तो tan थीटा को अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, अब यहाँ पे ये जो है u1 एज इट इज माइनस का साइन एज इट इज, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos अपॉन साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस एज इट इज। अब देखिए cot है यहाँ पे, तो cot थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगेन यहाँ पे cos अपॉन साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा, एंड नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो वन एज इट इज माइनस का साइन एज इट इज। tan थीटा को मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन cos, है ना, यहाँ पे साइन अपॉन cos। अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये ऊपर वाला तो सॉल्व नहीं होगा, बट नीचे वाला हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग LCM, ओके। तो पहले ये एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग LCM लेंगे तो नीचे साइड सिंपल कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा। वन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, साइन थीटा ही आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल साइन थीटा। एंड माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे वन टाइम आएगा साइन थीटा, तो ऊपर वन से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, सिंपल कॉस थीटा ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए नीचे कुछ नहीं मतलब हुआ नहीं, यहाँ पे भी LCM लेंगे तो cos थीटा ही आएगा। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आएगा, तो ऊपर आपके पास आ गया cos थीटा। माइनस का साइन एज इट इज, वन टाइम यहाँ पे आएगा cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सेम टू सेम साइन थीटा ही आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये जो लाइन है ये दोनों को डिवाइड में बांट रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएंगे, एंड ऊपर वाला नीचे, यहाँ पे प्लस एज इट इज। यहाँ पे भी सबसे पहले अपर साइड तो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर cos थीटा, एंड ये नीचे साइड cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सिंपल हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। एंड नीचे साइड देखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम देखिए, cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, एंड ये जो है इससे मल्टीप्लाई होकर बाकी सबके सब सेम ही रह जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे साइन जो है वो प्लस में है, यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, माइनस में है। तो अगर मैं यहाँ पे इस साइन को प्लस में करना चाहूँ तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाहर जो है वो साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे वाले टर्म्स को, तो हमारा सब कुछ वैल्यू सेम आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस माइनस में आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे प्लस है तो मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, सिर्फ नीचे वाले साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ऊपर तो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बट नीचे साइड अब चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये माइनस है, माइनस आने के बाद सिंपल मान लीजिए अभी के लिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा पहले, बट अंदर साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये माइनस, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे साइन को मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस में, साइन थीटा, है ना, ये प्लस में आ चुका है। अब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ में, तो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो कॉस आ गया हमारा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो देखिए ये नीचे वाला हमारे पास जो है LCM लेने लायक हो गया, दोनों दोनों क्या हो गया कॉमन, यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन चलेगा। अंदर साइड देखिए यहाँ पे साइन माइनस कॉस, यहाँ पे साइन माइनस कॉस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसका LCM ले सकते हैं, तो LCM लेंगे तो यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगा, खाली यहाँ पे कॉस इंटू साइन, एंड ये दोनों दोनों कॉमन अंदर साइड आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब चेक कीजिए, ये दो है ये तो कॉमन ही रहेगा, ये कॉस कॉस को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। और साइन थीटा जब मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या बन जाएगा आपके पास, साइन क्यूब थीटा, माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन साइन से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे आपके पास कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस क्यूब थीटा, ओके।
अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो ऊपर में हमारे पास वैल्यू क्या आ चुका है, क्यूब में आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। ये सिंपल इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, है ना। और यहाँ पे ये जो है ये एज इट इज, अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू सिंपल हमारे पास कितना है साइन थीटा, उसके बाद फिर हमारे पास बी की वैल्यू कितना है कॉस थीटा, तो ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ए, ए की वैल्यू हमारे पास अगेन क्या है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू है ना यहाँ पे बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है कॉस, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास साइन एंड कॉस, ठीक है। ये पूरा ऊपर हो गया है, एंड नीचे साइड देखेंगे तो ये हमारा अभी के लिए एज इट इज। अब यहाँ पे चेक कीजिए कुछ हमारा कैंसिल हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास सिंपल क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है। अब आपके पास सिंपल यहाँ पे बचा है क्या, तो देखिए अपर साइड में बचा हमारे पास ये, डाउन साइड में क्या बचा है आपके पास ये, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, इसको आप लोग पहले अच्छी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो बच चुका है सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे जो भी बच गया उसको मैंने यहाँ पे सिंपल लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे आप लोग आराम से चेक कीजिए आइडेंटिटी वन, यहाँ पे देखिए क्या लिख कर रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास वन, तो मैं इसको रिप्लेस करके इन दोनों को रिप्लेस करके इसके प्लेस पे वन लिख सकता हूँ, तो ये आ गया है वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे एज इट इज एंड नीचे साइड में ये एज इट इज। अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे cos into sin जो है वो इसके लिए भी वैलिड है और ये इसके लिए भी वैलिड है ना, तो यहाँ पे मैं दोनों को सेपरेट करके लिख सकता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक। ओके, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे sin के जगह पे cos लिख दिया है, तो ये sin रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका sin और ये आपका cos, अगेन यहाँ पे नीचे में आपके पास इसके साथ में भी आप सेम टू सेम लगा सकते हैं ये साइन अपॉन कॉस या फिर कॉस अपॉन, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल कॉस से कॉस कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे आपका वन आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये जो कॉस है वो वन के साथ में ये दोनों जो है डिफरेंट अलग अलग करके मैं लगा सकता हूँ इस तरीके से, देखिए ये वन अपॉन कॉस थीटा एंड यहाँ पे ये जो साइन है उसके साथ में भी यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ क्या इंटू वन अपॉन साइन थीटा, है ना, और यहाँ पे प्लस वन एज इट इज। अगर आप लोग चेक करेंगे यहाँ पे तो देखिए वन अपॉन कॉस सिंपल हमारे पास क्या होता है चेक कीजिए इसके अंदर, तो होता है आपके पास सेक, तो यहाँ पे आ चुका है ये, इसको रिप्लेस करके हम लोग लिख दिए सेक थीटा एंड यहाँ पे वन अपॉन साइन सिंपल आपके पास क्या होता है चेक कीजिए इसके अंदर, तो होता है आपके पास कॉसेक, है ना, तो ये हो गया आपके पास कॉसेक एंड यहाँ पे जो है वो आपका वन, तो यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था ना। देखिए यहाँ पे यही आपको शो करना था, ये आपका आ चुका है। ओके, ये था आपका पार्ट थ्री, अब हम लोग मिलते हैं पार्ट फोर पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।